हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल चैनल आपका मैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 7 का लेसन 3 जिसका टाइटल है द वाइज मैन सेकंड, उसको पढ़ा और समझा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 4 जिसका टाइटल है अनीता फीड्स अप्पू। अनीता अप्पू को खिलाती है। फीड्स मतलब होता है खिलाती है या खिलाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे। अनीता आज बहुत ही उत्सुक है। एक्साइटेड मीन्स होता है उत्सुक। शी हैज़ रेड अ स्टोरी अबाउट अप्पू द एलिफेंट। उसने अप्पू हाथी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। एंड सीन एन एलिफेंट इन द मूवीज एंड कार्टून शोज ऑन टीवी। और टीवी पर कार्टून में और फिल्मों में भी हाथी को देखा है। बट टुडे शी इज़ सरप्राइज टू सी अप्पू एट हर डोर। परंतु आज वह अपने दरवाजे पर अप्पू को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। अनीता, मामा गिव मी सम बनानास एंड सुगर कैन। अनीता माँ से कहती कि मामा मुझे कुछ केले और गन्ने दो। आई वॉन्ट टू फीड अप्पू। मैं अप्पू को खिलाना चाहती हूँ। माँ, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। माँ कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो। अनीता, माँ यू वॉन्ट बिलीव इट, अप्पू द एलिफेंट इज एट आर गेट। माँ आपको विश्वास नहीं होगा, अप्पू हाथी जो है हमारे दरवाजे पर है। माँ, अप्पू द एलिफेंट। माँ भी बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहती कि अप्पू हाथी। एंजियसली वेयर इज योर फादर। बहुत ही आकुलता के साथ कहती कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। सो अनीता, ही इज़ राइट देयर आउटसाइड। अनीता कहती कि वह वहीं बाहर हैं। एंड भैया इज़ गिविन अप्पू सम वाटर टू ड्रिंक। और भैया जो है अप्पू को पानी पिला रहे हैं। ओ माँ, ही कैन ड्रंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। ओ अरे माँ, ये तो एक बार में एक बाल्टी पानी पी सकता है। माँ, एंड ही कैन ईट अ होल ट्री एट वन गो टू। माँ कहती कि वह तो एक बार में एक पेड़ भी खा सकता है। अनीता, यस यस आई वॉन्ट टू फीड द एलिफेंट। अनीता कहती है कि हाँ हाँ, मैं हाथी को खिलाना चाहती हूँ। कैन आई टेक दीज बनानास एंड सुगर कैन टू फीड हिम। क्या मैं इन गन्ने और केले को उसे खिलाने के लिए ले सकती हूँ। सो माँ, ओ यस एंड ऑल्सो टेक सम लीव्स ऑफ द बनाना ट्री फ्रॉम द कोर्ट यार्ड। अरे हाँ, और कुछ केले की पत्तियाँ बाहर आंगन के केले के पेड़ से भी ले लेना। सो अनीता, एंड थैंक यू माँ। अनीता कहती है धन्यवाद माँ। माँ, कम आई विल गो विथ यू। माँ कहती है कि आओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट ग्रैबिंग अप फूड। हाथी को खाना खाते हुए, खाना निगलते हुए देखना बहुत ही मज़ेदार है। द महावत विल बी हैप्पी इफ वी फीड द एलिफेंट। यदि हम हाथी को खिलाएंगे तो महावत, उसका जो मालिक है, वो भी खुश हो जाएगा। अनीता, माँ शी हाउ द एलिफेंट इज टेकिंग द बनानास इन हिज ट्रंक। अनीता माँ से कहती कि माँ देखो, हाथी कैसे केलों को अपनी सूंड में ले रहा है। एंड पुटिंग देम इन टू हिज माउथ। और उनको अपनी माउथ में, अपने मुंह में कैसे रख रहा है। ही इज़ यूजिंग हिज ट्रंक लाइक अ हैंड। वह अपनी सूंड को एक हाथ की तरह उपयोग कर रहा है। माँ, ओ यस ही इज़। माँ कहती कि अरे हाँ, वह ऐसा कर रहा है। अनीता, डू यू नोटिस हाउ ही ड्रंक्स वाटर। अनीता कहती है कि आपने क्या नोटिस किया, ये गौर किया है कि वह कैसे पानी पीता है। ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट। वह एक बार में एक बाल्टी पानी चूस लेता है, जैसे कि आपको ये चित्र में भी दिख रहा है। महावत, चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू राइड अप्पू। महावत बच्चों से पूछता है कि बच्चों, क्या आप अप्पू की सवारी करना पसंद करोगे। सो अनीता, आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर। अनीता कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं उसके ऊपर अपना संतुलन बना सकती हूँ। आई फॉल ऑफ एज ही वॉक्स। जैसे वह चलेगा मैं नीचे गिर जाऊँगी। महावत, नो नो आई विल शो यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट। नहीं नहीं, महावत कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे हाथी पर सवारी की जाती है। अनीता एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर हाउ। अनीता और
और वहाँ के जितने भी बच्चे थे वो सब मिलकर कहते कैसे सुमहावर। Well, we have a harder and more than six children can easily fit into it. महावत कहता है कि खैर हमारे पास एक हाथी पर बैठने की सीट है जिस पर आसानी से छः से ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं। Come children, I'll take you for a nice elephant ride. आओ बच्चों मैं आपको एक अच्छे हाथी की सवारी पर ले जाऊँगा। अप्पू विल बी ग्लैड टू और अप्पू भी बहुत खुश होगा। So, Anita, Anjum, Arif, Bala and Bhola all gather around the Mahabat. So, Anita, Anjum, Arif, Bala ये सभी उस महाबत के पास इकट्ठे हो गए। And he helps them climb onto the elephant's back and sit in the howdah. और महाबत जो है उन सभी की उस हाथी के ऊपर चढ़ने में और बैठने में मदद करता है। They are excited and a little scared too. As Appu stands up and starts walking towards the park, वे बहुत ही उत्सुक थे और थोड़े से डरे हुए भी थे। जैसे ही अप्पू खड़ा हुआ और उसने पार्क में चलना शुरू किया, they bow out to the other children who are following them. वे उन दूसरे बच्चों की ओर गए जहाँ जो बच्चे उनका पीछा कर रहे थे। Now they are really happy. अब वो वाकई में बहुत ही खुश थे। सो ये रहा आपके लेसन 4 अनीता फीड्स अप्पू का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।